जब मुझे पता चला कि इनके साथ काम करना है, मेरी बहुत हालत ख़राब थी, क्योंकि इनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है और कमाल के कलाकार हैं ये। इनसे बेहतर कॉमेडी क्या कोई भी इमोशन में इनसे काम नहीं करा सकता है। और मैं क्या कह रहा था, इनकी डायलॉग डिलीवरी, ओ माय गॉड, डायलॉग डिलीवरी तो माशाल्लाह, क्या बात है। तो इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। बेसिकली मैं कहीं पे भी अटकता था, ये हम छोटी नोट आ गई। कमाल का काम करते हैं, इनसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता है। एक्चुअली मैंने इनकी सारी मूवीज़ देखी हैं और भगवान करे कि इनकी जितनी भी मूवीज़ हैं वो हमेशा 100 करोड़ या 200 करोड़ बनाएं, चाहे वो एक विलन हो, चाहे वो मस्ती हो, चाहे वो ग्रैंड मस्ती हो, चाहे वो हाउसफुल हो, इनका घर हमेशा ऐसे ही फल फूलता रहे। और इनके पास मैं जब इनसे मिलने भी गया था तो इनके घर के बाहर इतनी लंबी लाइन थी प्रोड्यूसर्स की और सब बेसिकली अच्छा लगता है जब कोई इतनी तारीफ करता है। इज द बेस्ट, थैंक यू ब्रो, मींस अ लॉट। रितेश, यहाँ पर क्लब की बात आ गई है, 100 करोड़ 200 करोड़, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना बिलीव करते हैं रितेश इस क्लब में, 100 करोड़ 200 करोड़? अगर मेरी पिक्चर 100 करोड़ में पहुंचे तो आई बिलीव इट, अदरवाइज इट्स अ रबिश क्लब। अच्छा, जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर की गई तभी आपको पता चला जब पुलकित फिल्म में है, तो तभी आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप पहली बार काम करने वाले थे उनसे? पुलकित फिल्म में काम करने से पहले, लाइक पुलकित बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि इतने अच्छे न्यू कमर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। एंड फुकरे में फुकरे बड़ा फिल्म, फुकरे क्या पिक्चर थी, चार लोग थे लेकिन पुलकित का काम चार लोगों से भी बहुत ज़्यादा था। और डॉली की डोली, मैंने सोनम को देखा नहीं पिक्चर में, मैंने सोचा मैं देखूंगा तो सिर्फ पुलकित के लिए देखूंगा, क्योंकि एक्चुअली डॉली का रोल को तो पुलकित को करना चाहिए था, लेकिन अब ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर। मुझे लगता है कि रणवीर हो, वरुण हो, सिद्धार्थ हो, वो आर दीज पीपल, पुलकित इज द नहीं रणवीर पुल अब ग्रेट इज अ ग्रेट गाय बैंगिस्तान तो पुलकित स्टारिंग पुलकित सम्राट। और मुझे 5 मिनट का रोल दिया गया है और पुलकित जी की जय हो कि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ उन्होंने दिया है। पुलकित जय जय हो पुलकित महाराज की कि उन्होंने मुझे काम करने पर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आखिर में आप दोनों ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? प्लीज आकर देखिए, 31 जुलाई, बूम।